देहरादून से तीन शहरों के लिए हवाई सेवा की शुरुआत होगी। देहरादून अयोध्या के लिए हवाई सेवा के साथ देहरादून पंतनगर वाराणसी के लिए भी हवाई सेवा का शुभारंभ होगा। साथ ही देहरादून अमृतसर के बीच भी हवाई सेवा बुधवार से शुरू होने जा रही है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी आज उत्तरकाशी के दौरे पर रहेंगे। यहां पर बर्डकोट में लाभार्थी सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। वहीं सम्मेलन से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी रोड शो भी करेंगे। दोपहर के बाद 1 बजे सीएम बर्डकोट पहुंचेंगे और वहीं पर सीएम के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश है। बता दें, विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन कमजोर रहा, उन सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए सीएम धामी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट लगातार दौरे कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। कल जहां पर दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की बैठक में उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम तय होंगे, जबकि बीजेपी ने उत्तराखंड में 3 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और साथ ही इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दिया है। लगातार लाभार्थी सम्मेलन से लेकर शक्ति बंधन सम्मेलन किए जा रहे हैं। बड़ी खबर, और नैनीताल हाईकोर्ट के लिए नई जमीन की तलाश हल्द्वानी के बेल बसानी में है और इसमें 10 हेक्टेयर राजस्व भूमि का चयन हुआ है, लेकिन हाईकोर्ट के लिए 26 हेक्टेयर जमीन चाहिए। पहले ग्वालापार में हाईकोर्ट बनाने के लिए जमीन का चयन हुआ था, लेकिन ग्वालापार की जमीन पर वन मंत्रालय की आपत्ति के बाद अब दूसरी जमीन तलाशी जा रही है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा कांड से जुड़ी बड़ी खबर, जहां हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को वसूली का नोटिस जारी हुआ है और राजस्व विभाग ने मलिक की संपत्तियों पर नोटिस जस्पा किए हैं। हिंसा के दौरान 2 करोड़ 66 लाख का नुकसान हुआ था। अब उसकी भरपाई के लिए मलिक नोटिस मलिक को जारी हुआ है। 1 हफ्ते के अंदर अब्दुल मलिक को धनराशि जमा करनी होगी। और 17 साल की नाबालिग को भगा ले जाने के मामले में एक आरोपी को यूपी के पीलीभीत से गिरफ्तार किया गया। पीड़ित की मां ने विकास नगर के सहसपुर थाने में इसकी तहरीर दी कि अमन जिद्दीकी उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसला कर ले गया है। इसके बाद पुलिस ने मोबाइल की लोकेशन के आधार पर पीलीभीत से आरोपी को अरेस्ट किया, नाबालिग लड़की को भी बरामद कर लिया है।